20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब किसी इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कारनामा किया था और अपोलो 11 वो पहली ऐसी स्पेस फ्लाइट थी जिसने इंसान को चांद पर उतारा था। पर मजे की बात ये है कि नासा को ये यकीन ही नहीं था कि नील आर्मस्ट्रांग अपने साथियों के साथ चांद से वापस धरती पर उतर पाएंगे क्या, इसीलिए श्रद्धांजलि देने वाला भाषण भी तैयार कर लिया गया था जो कि तब के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पढ़ना था। पर सौभाग्य से 24 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित धरती पर उतर आए थे और भाषण धरा का धरा रह गया था। गाइस, क्या आज के पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप 18 या उसके आसपास की उम्र के हैं और अगर आप 30 की उम्र तक आते आते खूब सारा पैसा और स्टेबल लाइफ चाहते हैं तो ये 8 काम जल्द से जल्द शुरू करें। नंबर 1, आज ही पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब शुरू करें और 5 से 10 हजार रुपए महीना बचाना शुरू करें। नंबर 2, रोज सुबह जल्दी उठें। नंबर 3, साइड इनकम बनाने की कोशिश करें। नंबर 4, महीने में 2 बुक्स कम से कम पढ़ें। नंबर 5, 1 घंटा रोजाना एक्सरसाइज करें। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखें। नंबर 7, अपना पैन कार्ड बनवा कर डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और नंबर 8, ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अगर कुछ नहीं होता तो उसे लेके वो लोग अफसोस बनाते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके पास जो है उससे भी वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी जिद पर जीने वाला एक बंदा है जिसका नाम है ज़ायोन क्लार्क। गाइस, एक बीमारी के चलते ज़ायोन का शरीर का निचला हिस्सा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसका कभी अफसोस नहीं बनाया। उनके पास पैर नहीं थे लेकिन अपने हाथों से ही दुनिया में सबसे तेज दौड़ के उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाया है। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और उनकी बॉडी कमाल की है। अगली बार जब आप अपनी किस्मत का रोना रो रहे हो तो ज़ायोन क्लार्क को जरूर देख लेना। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां, जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।